अक्सर ये देखा जाता है कि राजनेता या उनके परिवार के लोग नेतागिरी की धाक जमाकर पुलिसकर्मियों को दबाते नजर आते हैं। हाल ही में ऐसा देखने को मिला पीएम मोदी के गृहनगर गुजरात में, जहां पर स्वास्थ्य मंत्री कुमार कानानी के बेटे और एक महिला कांस्टेबल का ऑडियो और वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दावा यह भी किया जा रहा है कि स्वास्थ्य मंत्री के बेटे ने महिला कांस्टेबल को धमकी भी दी है, जिस वजह से महिला कांस्टेबल ने इस्तीफा तक दे दिया है। दरअसल महिला कांस्टेबल सुनीता यादव सूरत के मानगढ़ चौक के पास ड्यूटी पर थी, तभी मंत्री के कुछ समर्थक वहां पहुंचे। सभी फोर व्हीलर में थे और मास्क लगाए हुए नहीं थे, जिस पर महिला कांस्टेबल ने उन्हें वहीं रोक लिया। इस पर समर्थकों ने स्वास्थ्य मंत्री के बेटे प्रकाश को वहां बुला लिया। प्रकाश अपने पिता की गाड़ी से वहां पहुंचे। इसके बाद महिला कांस्टेबल और प्रकाश में काफ़ी देर तक हॉट टॉक होती रही। महिला कांस्टेबल ने गाड़ी की नंबर प्लेट को वहीं उतरवा दिया। सामने ये भी आ रहा है कि स्वास्थ्य मंत्री के बेटे ने महिला कांस्टेबल को धमकी दी कि मेरे पास पावर है, तुम्हें 365 दिन यहीं खड़ा करवा सकता हूँ। जहां महिला कांस्टेबल ने स्वास्थ्य मंत्री के बेटे प्रकाश को जवाब देते हुए कहा कि तुम्हारी या तुम्हारे बाप की नौकरानी नहीं हूं जो यहां खड़ी रहूंगी। बताया ये भी जा रहा है कि महिला कांस्टेबल सुनीता यादव ने इस बात की जानकारी अपने वरिष्ठ अधिकारी को फ़ोन पर दी। उन्होंने बताया कि 5 लोग कर्फ्यू का उल्लंघन करते हुए पकड़े गए हैं, जिनमें मंत्री कानानी का बेटा प्रकाश भी शामिल है। वो उन्हें धमकियाँ दे रहा है और गालियाँ दे रहा है, जिस पर अधिकारी ने महिला कांस्टेबल से कहा कि वो वहां से चली जाएं, जिसका मतलब ये है कि महिला कांस्टेबल का सपोर्ट करने वरिष्ठ अधिकारी भी वहां नहीं पहुंचे। वहीं मंत्री कानानी का कहना है कि उनका बेटा रात को अपने ससुर को देखने के लिए जा रहा था, जो कि अस्पताल में भर्ती है, और तभी महिला कांस्टेबल ने उन्हें रोक लिया और पूछने लगी कि गाड़ी पर MLA क्यों लिखा है, जिस पर प्रकाश ने कहा कि उनके पिता की गाड़ी है, जिस पर महिला कांस्टेबल ने कहा कि पिता की गाड़ी में वो क्यों घूम रहे हैं। मंत्री ने आगे कहा कि कांस्टेबल को समझने की ज़रूरत थी। फिर बात को संभालते हुए उन्होंने आगे कहा कि दोनों ही पक्षों को एक दूसरे को समझने की ज़रूरत थी। वहीं सारी परिस्थितियों से परेशान होकर महिला कांस्टेबल ने इस्तीफा दे दिया है और अब ऑडियो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद सूरत के पुलिस कमिश्नर RB ब्रह्म भट्ट ने ACP ए डिवीज़न CK पटेल को इस मामले में जाँच करने के आदेश दिए हैं। इस मामले में असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस स्पेशल ब्रांच PL चौधरी ने कहा कि जांच के बाद जरूरी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।